नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक, जो हमारी जर्नी रही है यूट्यूब के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड है इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं, इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी यूट्यूब के ऊपर ही आएगा, और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है यूट्यूब का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे, मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं, बहुत छोटे नगीने होते हैं। आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपका आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर दो पे, उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर तीन पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर चार पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है, सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये है रत्न और धातु। ये बहुत समझने वाला एपिसोड है। अगर आपने रत्न पहने हुए हैं, जहां आप रत्न पहनना जा रहे हैं, तो आपको इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं, रत्न और धातु यानी ये दोनों का आपस में जो गहरा रिलेशन है ना, वो चार चांद लगा देगा। जो आप नगीना पहनेंगे, जो आप जेम पहनेंगे, वो समझ के चलिएगा, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आपको उसका रिजल्ट्स चंद दिनों के अंदर ही आना शुरू हो जाता है। अगर आप गलत मेटल के अंदर रत्न को डाल लेते हैं तो रिजल्ट ना के बराबर होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, बहुत ही जरूरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो मेरे एक दो एपिसोड बने हुए हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन वो कई बार लोगों को सर्च नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे रत्न और धातु। दोस्तों, जैसे कि रत्न हर एक प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ऐसे ही इनके साथ रत्न है। लेकिन इसी प्रकार हर एक धातु का जो प्लेनेट के साथ बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन है, यह समझने वाली बात है। अब जब बोला जाता है एक अकेला, रत्न अकेला है, और दो बन जाएंगे तो 11 हो जाएंगे, यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा।
मोस्टली देखने को मिलता है लोगों ने रत्नों को गलत मेटल्स के अंदर डाला हुआ है। मोस्टली देखने के लिए मिलता है कि जैसे नीलम को एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, पंच धातु में ना डाले हुए उसको चांदी में डाला हुआ है या सोने में पहना हुआ है, ये गलत चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, जब तक शनि का प्रधान तत्व यानी उसका धातु लोहा आयरन ही नहीं आएगा उसके अंदर, तो हाउ टू पॉसिबल कि आपको रिजल्ट आएगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा रत्न कौन कौन से मेटल के अंदर डाला जाता है। सबसे पहले जो प्रथम रत्न है वो है रूबी। रूबी को दो मेटल हैं, एक है तांबा एक है सोना। फिर चलते हैं हम मोती की तरफ, वो है चांदी। उसके बाद अगला आता है मूंगा, जिसे कॉपर में और गोल्ड में पहना जाता है। उसके बाद आता है पन्ना, जो 100% वाइट मेटल यानी चांदी में उसे डाला जाता है, लेकिन लोगों ने बहुत इसे सोने में पहना हुआ है तभी उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। पुखराज की बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का पत्थर है, गोल्ड में डाला जाता है। और इसके बाद अगला जो है शुक्र का रत्न, वो है हीरा, प्लेटिनम इसका धातु है। मोस्टली लोगों ने इसे गोल्ड में पहना हुआ है, ये भी गलत है। बात करेंगे नीलम, यानी शनि प्लेनेट के साथ जुड़ा है, इसे पंच धातु में डाला जाता है। और इसके आगे चलते हैं गुमेद। गुमेद को लोगों ने सोने में चांदी में बहुत ज़्यादा पहना हुआ है, जबकि ये पंच धातु में डाला जाता है, क्योंकि बोला जाता है जहाँ पे शनि खड़े होते हैं उनकी छाया ग्रह है, ये शेडो प्लेनेट माना जाता है राहु को, और लोगों ने इसे गलत मेटल में पहना हुआ है। अब बात करेंगे कैट्स आई यानी केतु की, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कैट्स आई को भी मोस्टली पंच धातु में डाला जाता है, लेकिन लोगों ने गोल्ड में, किसी ने वाइट गोल्ड में, किसी ने किस में अलग अलग पहना हुआ है, जिसका रिजल्ट हो ही नहीं सकता आपको अच्छा बेस्ट बेटर मिलेगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है, हमने रत्न बहुत अच्छा ले लिया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब इस कंप्लेंट के पीछे सबसे बड़ा जो लॉक है ना, वो मेटल है, धातु है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी कंप्लेंट लोगों की ये आती है कि मेटल का कोई इतना, क्योंकि एक बीच में कई बार आप सोनार के पास जाते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं, तो वहां पे वो चांदी का काम करके राजी नहीं होते, वो बोलते आप सोने में डाल लो। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिल्वर का काम बहुत 10-5% ही करते हैं, 95% हैं वो तो बोलते हैं आप गोल्ड में बनवाओ जी, कुछ नहीं होता। नीलम जाओ बनवाने, आप पंच धातु का नाम लो तो वो डर जाते हैं, बोलते पंच धातु ये तो होता ही नहीं है। तो वो आप बंदा बोलता चले यार मैंने तो डालना है, आप बनवा दो, किस में बनाना है। तो वो फिर अपनी साइंस खोलते हैं जिसमें उनको बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, वो बोलते हैं आप इसे गोल्ड में डालिए। नुकसान बंदे का है ना कि उन ज्वेलर का है, नुकसान की भरवाई उसे करनी पड़ेगी, ज्वेलर नहीं करेगा। तो यहां पे मैं बहुत क्लियर बता देना चाह रहा हूं कि इसके अंदर, मान लेते हैं आपने सोने में बनवा लिया है, लेकिन इसके अंदर चार धातु को मेल्ट तो किया जा सकता है। अगर स्टेटस सिंबल को लेके अगर आपको लग रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, मैं करोड़पति बंदा हूं या मैं अरबपति बंदा हूं, यार क्या बोलेंगे, ये चांदी पहन के रखा हुआ क्या है, तो वहां पे ऑप्शनली क्या होता है, आप उसे पंच धातु में ही बनवाएंगे, लेकिन आप बेस जो है वो ले रहे हैं गोल्ड का, प्लेटिनम का, लेकिन चार धातु उसमें, फिर से बता रहा हूं, नीलम के अंदर लोहे का आना बहुत लाजमी है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस आते हैं जो लोग हमसे, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर या सोशल हैंडल्स के ऊपर, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पुट करते हैं कि धातु इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस एपिसोड के अंदर उनको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। धातु इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब अगर रत्न अपना काम कहीं ना कहीं कम कर रहा है, तो वो धातु उस प्लेनेट से एनर्जी लेके उस रत्न को स्पीड देगा और आपको आउटपुट 100% नहीं 1000% आएगा। मैं फिर से बता दूं, ये बिल्कुल खास ख्याल रखने वाली चीज है। डायमंड की बात कर रहा हूं यहां पे, सब सुन लें, डायमंड 13 कैरेट में बनवा के अपनी जान छुड़ा लेते हैं लोग,
यहां पे डायमंड का जो एस्ट्रोलॉजिकल डायमंड है वो प्लेटिनम में ही डलेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, 10 करोड़ का हीरा ले लो, अगर वो गोल्ड में 13 में काम कर गया तो मेरे को पकड़ लेना आके भैया, वो प्लेटिनम में ही काम करेगा, उसका कोई और रास्ता नहीं है। तो इन सब चीजों से, इन भ्रम से, इन जो मिथ है, इससे बाहर आ जाइए। ये एपिसोड बनाने के पीछे कारण ही यही है कि आप सही धातु, सही मेटल के अंदर सही नगीना, सही रतन डालेंगे तो फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चार चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें, आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उसे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज हैं, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज हैं। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, YouTube, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पर जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है, फेसबुक जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवा हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1-3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन्स हैं, जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर, देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।